नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मिल रहे थे और कमेंट्स मिल रहे थे कि सर सीयूटी यूजी का जो है वो एग्जाम नजदीक है, लगभग हमारे पास 10 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो एग्जाम से पहले कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पहले आपको जानना है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। होता है ना कि कुछ बच्चों को यहाँ पे घाटा और कुछ बच्चों को फायदा होने वाला है, वो भी पॉइंट में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कब तक मिल जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम डेट के 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा ऑफिशियल नोटिस आपके जो रिकमेंडेड ट्विटर हैंडल्स वेबसाइट है वहां पे गिवेन है। कहने का मतलब ये है किसी बच्चे का एग्जाम सपोज कि 21 तारीख को है तो उसका एडमिट कार्ड 18 को आ जाएगा। मान लो किसी का 25 को है तो उसका 22 21 को आ सकता है, किसी का 28 को है तो 24 25 को आ सकता है। यानी कि आपके एग्जाम के 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम 24 से स्टार्ट हो रहा है तो सबका एडमिट कार्ड जो है वो 21 या 20 तारीख को आ जाए। समझ लो, एडमिट कार्ड आपका आपके एग्जाम के डेट के अकॉर्डिंग डे बाय डे आएगा। इससे ये बात कंफर्म हो गया कि बच्चों का पेपर भी अलग अलग दिन होगा। समझ लो मेरी बात, मतलब कि अब एक बच्चा हो सकता है कि वो अपना पेपर 22 तारीख को ही दे दे और दूसरा बच्चा जो है वो हो सकता है 24 26 27 28 एक हफ्ते तक जाके अपना पेपर किसी दिन जाके दे। अब इसमें घाटा और फायदा जो है वो पॉइंट आप दिमाग में बैठा लो। एनटीए आपका पेपर करा रहे हैं, एनटीए का जो पैटर्न है डिक्टो क्वेश्चन तो नहीं कॉपी होता है लेकिन जो पैटर्न है वो है कॉपी होने वाला। जैसे कि मान लो कि उन्होंने एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया है या कोई ग्राफ से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं तो जनरली वो एप्टीट्यूड के मैथ या रीजनिंग सेक्शन में उसी तरीके के ग्राफ के क्वेश्चन जरूर आपको देंगे। तो जो बच्चे पहले एग्जाम देंगे उन्हें माइंड में रख लेना है कि अगर वो पर्टिकुलर जीटी या किसी डोमेन या किसी लैंग्वेज पेपर में देख रहे हैं कि ये चीजें आई हैं तो वो कमिंग डेज के होने वाले एग्जाम में वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बदल कर आपको दे देंगे। अब एक एग्जाम्पल दूसरा मैं देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आया है कि इस बार के आईफा अवार्ड में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस को दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, इट मींस कि नेक्स्ट बैच वाले बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको बताना है आईफा अवार्ड का बेस्ट एक्टर कौन सा है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपसे पूछा गया फीफा 2022 का जो कोई बेस्ट या गोल्डन बूट हो गया या गोल्डन बाल हो गया ये अवार्ड किसको दिया गया, अगर किसी के साथ फीफा का एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में फीफा का सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है जो ग्राफ वाला होता है, जैसे कि एक्स वाई पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक पे टाइम दे देगा और एक पे कंपनी का इनकम दे देगा और कंपनी के 4-5 जो है वो नाम दे देंगे। अब पूछेगा कि इस ईयर में कंपनी जो है कितना मुनाफा पाई है, कौन सी कंपनी आगे है, इस टाइप के पैटर्न से आप ये अंदाजा लगा सकते हो। वैसे आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं ग्राफ वाले। उसमें बेसिकली आपको बस परसेंटेज और रेशियो वाला चैप्टर पढ़ना है क्योंकि वहां पर अक्सर परसेंटेज और रेशियो बेसिस पे ही जो दिए गए 5 क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना रहता है। अब ये पैटर्न अगर किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है 25 तारीख एग्जाम में आ गया, तो आने वाले एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे अब न्यूज़पेपर हो जाएगा और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स ऑडियंस हो जाएगी और न्यूज़पेपर के नाम हो जाएंगे या फिर कोई कॉलोनी हो जाएगी और उस कॉलोनी में सर्विस के जो नाम होंगे वो हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैटर्न वही होगा, बस क्वेश्चंस बदल जाएंगे। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ आने वाले समय में आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, सपोज कि आप कमेंट भी करके बताना, अभी मार्क जुकरबर्ग का क्वेश्चन नहीं है, अभी एलोन मस्क ने जो कि ट्विटर का सीईओ प्रेजेंट टाइम में है लेकिन उन्होंने अपना फ्यूचर जो सीईओ है कुछ दिनों में अनाउंस कर दिए हैं वो हो जाएंगी, तो आपको बताना है कि वो सीईओ कौन है। अब यहां पे अगर एक सीईओ जो है बता दिया गया तो इसका मतलब कि जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वर्ल्ड की इंडिया की उसकी सीईओ पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी एप्पल ने इंडिया में दो अपने बहुत ही मेगा
शॉप खोले हुए, यहाँ पे उनका शोरूम खुला है, एक दिल्ली दूसरा मुंबई में। तो अब उनका जो सीईओ है भाई, जाहिर सी बात है एप्पल फेमस हुआ तो पूछा जाएगा, कोई ऑटोमोबाइल कंपनियां अचानक से बहुत बूम कर गई है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन पर्टिकुलर पार्टीज के पॉलिटिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि सर एग्जैक्टली अभी हमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किस पे कवर करना चाहिए, पढ़ाई किस पे करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा चीज एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर एक्चुअली किन किन टॉपिकों पे, मैं आपको ऐसे ओरली बैठे बैठे पूरे टॉपिक काउंट करा दूंगा और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके जीटी या फिर जो भी जनरल टेस्ट के क्वेश्चन होंगे वो यहां से ऑटोमेटिकली फंसने वाले। बस थोड़ा सा माइंड को ओपन करना है। बीएचयू पाठशाला एक मीन सीयूटी पाठशाला के कम्युनिटी में आप देखोगे कई दिनों से क्वेश्चन जो है वो एज अ पोस्ट एज अ क्विज आपको दिए जा रहे हैं, आप उसको जाके टिक करो और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी के समय में भी एक वार हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी एक वार हुआ, और उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री बने उनके समय में भी वार हुआ, किस किस सन में हुआ है, अभी हमारे यहाँ जो बॉर्डर लाइन है उन बॉर्डर लाइन पे कौन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आपके लिए क्वेश्चन है, अभी हमारे यहाँ जो ट्रेंडिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे एप्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे रैपिडो, आप मुझे बताओ एक टाइम पे जोमेटो या जोमेटो जो है वो आया हुआ है, आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 6 महीनों में बहुत ट्रेंडिंग किया है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको मैं यहाँ पे एक बात कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चंस का सेट तैयार करूं और वो आपके सेट जो है एग्जाम में फंसे, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। बाकी मैं आपका एडमिट कार्ड का बता दिया, डेट जो है एग्जाम का वो लगभग 20-25 के बीच में मुझे लग रहा है आ जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चाहते हो एक्चुअली, मैं आपको एग्जैक्टली वो सभी पॉइंट्स, ठीक है, स्मार्ट स्टडी जो होता है वो इसी समय होता है, हम स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट स्टडी के प्लानिंग के अंतर्गत बहुत ऐसी चीजें आपको बता देंगे जो आपके एग्जाम में फंस जाएंगे और आप अच्छा कर पाओगे। तो मुस्कुराते रहें, सीयूटी पाठशाला देखते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि काउंसलिंग के दरमियान इससे बेहतर चैनल पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे ऑफिशियल और अनऑफिशियल एनालाइज वीडियो आपके लिए मैंने दिया हुआ है, किस कोर्स में जाना है, कैसे क्या आपके लिए करियर है उस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ये सब चीजें बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस बोलता है भाई। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं।